Assalamu alaikum dear students and welcome to the video lectures of research methods. I am Farhan Sarwar and our topic for today is operationalization, measurement and scales. This is continuity of our previous lectures about primary data collection और इसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के पर्सपेक्टिव में ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मेजरमेंट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू असाइन नंबर्स, व्हाट इज ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ अ कंस्ट्रक्ट, ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव वेरिएबल्स ऑफ कंस्ट्रक्ट्स, स्केल्स एंड टाइप्स ऑफ स्केल्स, रेटिंग स्केल्स दैट इज नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, अदर टाइप्स ऑफ स्केल्स एंड व्हाट डू मीन बाय रिलायबिलिटी and validity of scales or a scale. So, जब हम रिसर्च की बात करते हैं और अगर हम थोड़ा सा इसको रिकॉल करें कि हमारी रिसर्च में डेटा कलेक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा को एनालाइज करके ही हम अपने हाइपोथेसिस, अगर हम हाइपोथेटिकल डिडक्टिव अप्रोच को अप्लाई कर रहे हैं या हम डेटा कलेक्ट करके उसके ऊपर कोई एनालिसिस लगा के इस बात में कि हमारे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस बात को हम डिटरमिन कर सकते हैं. सो डेटा कलेक्ट करना, अगर हम प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम सर्वे मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें किसी भी वेरिएबल को ऑपरेशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है या उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन को बनाना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मेजरमेंट. मेजरमेंट ऑफ एनी कंस्ट्रक्ट इज असाइनमेंट ऑफ नंबर्स और अदर सिंबल्स टू द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू अ प्री स्पेसिफाइड सेट ऑफ रूल्स. यानी कि हम किसी टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, हमें पता है हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए तीन यूनिट्स हैं, फारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन. तो हम उनको इन किसी भी स्केल्स को यूज़ करते हुए हम उसको किसी नंबर को असाइन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इतना टेम्परेचर है और हम उस टेम्परेचर के हिसाब से हमने जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है हम उसको डिसाइड कर लेते हैं. जैसे हम कहते हैं रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे हम कहते हैं कि अगर आपको फीवर है या आपको आपका नॉर्मल टेम्परेचर है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए. तो ये हमने क्या किया कि हमने प्री स्पेसिफाइड सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वेरिएबल को उसकी करेक्टरिस्टिक के हिसाब से हमने नंबर्स असाइन कर दिए. इसी तरीके से जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं या साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स करते हैं तो हम उसमें प्री स्पेसिफाइड सेट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स को लेके हम उसको किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि हम उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. और यहीं पे फिर बात आ जाती है स्केल्स की, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. अब ऑब्जेक्ट्स की करेक्टरिस्टिक्स, हमने अपने इनिशियल लेक्चर्स में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई चीज़ है जिसके हम करेक्टरिस्टिक्स को मालूम करना चाह रहे हैं तो वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं. अब कोई ऑब्जेक्ट क्या है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कोई पर्सन एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कंपनीज एक ऑब्जेक्ट हो सकती हैं, कंट्रीज हो सकती हैं, किचन अप्लाइंसेज हो सकती हैं, रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, शैम्पू हो सकता है, योगर्ट हो सकता है, मोबाइल्स, लैपटॉप, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं. हम रिसर्च में अक्सर ऑब्जेक्ट्स की करेक्टरिस्टिक्स को देखना चाहते हैं. अच्छा, अब वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, जैसे ह्यूमन में अगर हम ज़्यादातर, क्योंकि हमारी रिसर्च ह्यूमन बेस्ड रिसर्च होती है, ऑल्दो इसके अंदर हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट या कंपनीज की भी करेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, कंट्रीज की भी देखते हैं और उनको डिफरेंट हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं कि हम उनको डिफाइन कर सकें, तो उनके करेक्टरिस्टिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. तो वो करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, अराउजल सीकिंग टेंडेंसी, अचीवमेंट मोटिवेशन, ये ह्यूमन के करैक्टरिस्टिक्स हैं. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ये एक कंपनी या बिजनेस यूनिट का करैक्टरिस्टिक है जो हमें रिसर्च में हमें उसको मेजर करना है किसी तरीके से. शॉपिंग एंजॉयमेंट एक कंज्यूमर का करैक्टरिस्टिक है. लेंथ, वेट, ये किसी जो है ऑब्जेक्ट, जो टेंजिबल ऑब्जेक्ट है कोई, जैसे लेंथ ऑफ
स्पेसिफाइड प्रोडक्ट, वेट ऑफ अ प्रोडक्ट, इसी तरह एथनिक डाइवर्सिटी एम्प्लॉयज के करेक्टरिस्टिक है, सर्विस क्वालिटी ये कंपनी के किसी ऑफर के करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कंडीशनिंग इफेक्ट्स ये किसी शैम्पू के करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, टेस्ट ये जैसे योगर्ट है तो ये योगर्ट के करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो हमारे लिए रिसर्च में करेक्टरिस्टिक्स को मैयर करना, और ना सिर्फ मैयर करना, इस तरीके से मैयर करना कि एक तो उसकी सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उस मैयरमेंट के अंदर आ जाए, नंबर वन, और नंबर टू हम उसको नंबर्स असाइन कर सकें इस तरह के हायर नंबर जो है वो उस करेक्टरिस्टिक्स की ज्यादा होना और उसके लोअर नंबर उस करेक्टरिस्टिक्स के कम होने को या उस करेक्टरिस्टिक्स के अच्छे होने को या उसके बुरे होने को या किसी एक कंपैरिजन में वो नंबर्स को हम यूज कर सकें। तो यहाँ पे हमारा फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ अ कंस्ट्रक्ट। ऑपरेशनलाइजेशन जब हम करना चाहते हैं किसी भी कंस्ट्रक्ट या वेरिएबल्स की, तो हमने कहा था कंस्ट्रक्ट्स वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जिनको डायरेक्टली जो है वो हम मेजर नहीं कर सकते। तो एक वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं जो बहुत ऑब्जेक्टिव जिनकी नेचर होती है और उनकी प्रिसाइज मेजरमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। वो प्रिसाइज मेजरमेंट क्या होता है, वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, जैसे टेम्परेचर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेंथ मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो एक नंबर ही रिटर्न करे, यानी कि वो इन सेल्फ एक नंबर रिटर्न करे, जैसे टेम्परेचर, लेंथ, एज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, या कोई फार्मूला हो जिससे हमें नंबर मिल जाए। तो हमारे पास या तो कोई इंस्ट्रूमेंट हो या हमारे पास वो चीज़ को हम डिफाइन ही नंबर्स में करते हो जैसे एज है, या फिर हमारे पास कोई फार्मूला हो जिसको हम अप्लाई करें तो हमें एक नंबर ही मिल जाए। तो ये वाला वेरिएबल्स जो है ये ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स होते हैं, जबकि एक टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं विच आर मोर नेबुलस, यानी मोर सब्जेक्टिव एंड डज नॉट लैंड इटसेल्फ टू एक्यूरेट मेजरमेंट, क्योंकि उसकी नेचर एब्स्ट्रैक्ट और सब्जेक्टिव होती है, यानी कि हम उसको डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि किसी को एक डिप्रेशन है, किसी को दो डिप्रेशन है, किसी को तीन डिप्रेशन है। हमें कोई ना कोई क्राइटेरियाज डिफाइन करके इस तरीके से उसको ऑपरेशनलाइज करना होता है कि हमें उसका एंड रिजल्ट एक नंबर की शक्ल में हासिल हो। तो आप जिस तरीके से ये एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, और हमने अपने लेक्चर इनिशियल लेक्चर्स में भी ये डिस्कस किया था कि कुछ इस किस्म के ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ इस किस्म के एब्स्ट्रैक्ट किस्म की साइकोलॉजिकल मेजर्स होते हैं, सोशियोलॉजिकल मेजर्स होते हैं, मॉरल मेजर्स होते हैं, कंस्ट्रक्ट्स होते हैं जिनको हम सब्जेक्टिव कहते हैं, और हमारे पास कोई तरीकाकार डायरेक्टली उनको मेजर करने का नहीं होता, तो हम इनडायरेक्टली फिर उनको मेजर करते हैं और हम आगे चल के एग्जाम्पल में डिस्कस करते हैं। तो इस तरह हम ये देखें जॉब डिमांड्स। अब जॉब डिमांड्स क्या हैं, उसकी डायमेंशंस होंगी मुख्तलिफ, जैसे मेंटल डिमांड्स भी हो सकती हैं, इमोशनल डिमांड्स भी हो सकती हैं, फिजिकल डिमांड्स भी हो सकती हैं। तो अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्टिव वेरिएबल है। सो द मेजरमेंट इज यूज टू कैप्चर दैट कंस्ट्रक्ट इफ रिसर्च इज नीडेड ऑन द कंस्ट्रक्ट ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल इसलिए डिप्रेशन की कोट की है क्योंकि इट्स वेरी कॉमन टर्म जो हम सब इसको सुनते रहते हैं, पर इसको मेजर कैसे करते हैं ये हमें शायद इसका ना पता हो। सो इट इज लाइकली दैट अगर आपने डिप्रेशन पे कोई रिसर्च करनी है तो कोई सिस्टमेटिक मेजरमेंट टूल ढूंढेंगे आप जिसके जरिए आप डिप्रेशन को एक्सेस कर सकें। वी मे ऑपरेशनली डिफाइन क्वालिटेटिव कंस्ट्रक्ट्स लाइक डिप्रेशन हाउ बाय रिड्यूसिंग इट टू मेजरेबल एलिमेंट्स। अच्छा, अब ये मेजरेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कोई ऐसी चीज जिसको हम इजीली डिफाइन कर सके, हम उस डिप्रेशन को इस तरह ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एक बड़ी ही सिंपल एग्जांपल है, अगर आप कंस्ट्रक्ट है जिसको हम लेवल ऑफ थर्स्ट कहते हैं, भाई हम किसी की लेवल ऑफ थर्स्ट को कैसे मेजर कर सकते हैं कि उसको कितनी प्यास लगती है, हम उसको एक ऑब्जर्वेबल एलिमेंट के जरिए मेजर कर सकते हैं, वो है नंबर ऑफ ग्लास वन ड्रिंक्स पर आवर इन अ डे। अगर मैंने मेजर करना है लेवल ऑफ थर्स्ट इन अ डे, तो हम सिंपली उसमें नंबर ऑफ ग्लास वन ड्रिंक्स पर डे या नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर वन ड्रिंक्स वन पर डे, ये हमारा एक ऑब्जर्वेबल एलिमेंट है या मेजरेबल एलिमेंट है। इसी तरीके से हम अपने जो और एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट्स होते हैं
उनको भी हम मैयर करते हैं बाय रिड्यूसिंग देम टू मैयरेबल एलिमेंट्स। एक दफा दोबारा देख लेते हैं ऑपरेशनलाइजेशन कंस्ट्रक्ट क्या होता है। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ अ कंस्ट्रक्ट और अ कॉन्सेप्ट इज रिडक्शन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट टू रेंडर देम इन मैयरेबल इन अ टेंजिबल वे। ऑपरेशनलाइजिंग इज डन बाय लुकिंग एट द बिहेवियरल डायमेंशंस, जो हमें चीज नजर आ रही है उनके फैक्टर्स यानी उनके फेसेस डिफरेंट और प्रॉपर्टीज दैट आर डिनोटेड बाय दैट कॉन्सेप्ट्स। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू असाइन नंबर्स, और ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी समझ चुके हैं इस बात को कि जब हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है तो हमें नंबर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उस पर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरा ये कि हम उसको इस तरीके से क्वांटिफाई कर रहे हैं कि हम जो उसके अंदर वेरिएशंस हैं उनको आपस में कंपेयर कर सकें। तो अगर हमने एक डिप्रेशन का स्केल बनाया जिसके मैक्सिमम हमारे पास 100 मार्क्स हैं और मिनिमम हमारे पास 0 मार्क्स हैं, तो हम आपस में जो लोगों के नंबर्स आएंगे उस स्केल पे हम उनको कंपेयर कर सकें। हम कहेंगे कि अगर किसी का स्कोर उस डिप्रेशन के स्कोर, डिप्रेशन का जो स्केल है उसमें ग्रेटर देन 70 है, तो वो तो हाईली डिप्रेस्ड है। अब मुझे पता चलेगा ये हाईली डिप्रेस्ड है तो इसका इलाज करें। अगर हम कहें कि अगर किसी का स्कोर 50 to 70 है, तो इसका मतलब है वो मॉडरेटली डिप्रेस्ड है, इसको बहुत इंटेंस इलाज की जरूरत नहीं है, हल्की फुल्की थेरेपी से ठीक हो जाएगा। और अगर किसी का स्कोर लेस देन 30 है, तो हम कहेंगे इसको बिल्कुल डिप्रेशन नहीं है, ये बिल्कुल डिप्रेशन फ्री है। तो हम नंबर्स के जरिए, क्योंकि इंसान को नंबर्स में एनालाइज करना आसान होता है और जाहिर है स्टैट्स भी नंबर्स भी अप्लाई हो सकती है, तो हमें नंबर्स तो चाहिए होते हैं, तो इसीलिए हमें ऑपरेशनलाइज करना पड़ता है किसी भी वेरिएबल को। किसी भी वेरिएबल या कंस्ट्रक्ट, और वेरिएबल कंस्ट्रक्ट और कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है ये आप अपने इनिशियल लेक्चर्स को अगर जाके देखें तो उसके अंदर हमने डिफाइन किया है। यहाँ पे हम इंटरचेंजेबली इस इन टर्म्स को यूज करेंगे, लेकिन ये है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट हो जाए तो वो कंस्ट्रक्ट बन जाता है, और ये सब वेरिएबल्स हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज चेंज होती हैं। तो किसी भी वेरिएबल को अगर हमने ऑपरेशनलाइज करना है तो उसके लिए हमारे पास उसको डिफरेंट डायमेंशंस, इस तरीके से डायमेंशंस में चेंज करना है कि हम उनको इजीली या ऑब्जर्व कर सकें या हम उनसे रिलेटेड दूसरों से क्वेश्चंस पूछ सकें। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने कोट की है, अचीवमेंट मोटिवेशन। ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एक कंस्ट्रक्ट है। अब ये जो कंस्ट्रक्ट है, मैं इसको मैयर करना चाहता हूँ। इसको मैयर करने के लिए जाहिर है मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं इससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछूं, या मैं एक सर्वे क्वेश्चनेयर को बनाऊं जिसमें क्वेश्चंस हो अचीवमेंट मोटिवेशन से रिलेटेड और लोग उसको रिप्लाई करें। तो अब मैं अगर किसी से पूछूं हाउ अचीवमेंट मोटिवेटेड यू आर, तो हो सकता है कि उनको उस कंस्ट्रक्ट की समझ ही ना आए कि भाई ये क्या पूछना क्या चाह रहा है, अचीवमेंट मोटिवेशन है क्या चीज। कई सिंपल कंस्ट्रक्ट्स में हम डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं हाउ सेटिस्फाइड यू आर विद दिस प्रोडक्ट। अगर वो प्रोडक्ट बहुत सिंपल सी प्रोडक्ट है और हम उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मे बी दैट इज एन एप्लीकेबल ऑपरेशनल डेफिनेशन। लेकिन अगर एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में किसी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना है, तो हमें सबसे पहले उसको डिवाइड करना है। अच्छा, अब डिवीजन के भी ना स्टेप्स है। सबसे पहले हम उसके कुछ डायमेंशंस बना लेते हैं। यानी ये डायमेंशंस आए कहाँ से कि जिन लोगों ने ओवर द डेकेड्स काम किया हुआ है साइकोलॉजी में या सोशोलॉजी में या एंथ्रोपोलॉजी में या मैनेजमेंट साइंसेज में, उन्होंने कहीं ना कहीं इस कंस्ट्रक्ट अचीवमेंट मोटिवेशन को डिस्कस किया होगा कि भाई ये जिन लोगों में ये हाई है उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पता ये चला कि जिनकी अचीवमेंट मोटिवेशन हाई है, इस टाइम हम अचीवमेंट मोटिवेशन को ऑपरेशनली डिफाइन करने लगे, यानी उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन बनाने लगे। तो ऑपरेशन डेफिनेशन बनाने से पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट यानी उसकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन समझनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन। अच्छा, वो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है कुछ डायमेंशंस। एक तो जो बंदा अचीवमेंट
के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होगा जॉब में जो एम्प्लॉय, ही और शी इज ड्रिवन बाय वर्क, यानी वर्क से उसको एनर्जी मिलेगी। अनएबल टू रिलैक्स, रिलैक्स करना उसके लिए मुश्किल होगा क्योंकि वो अचीवमेंट ओरिएंटेड है ज्यादा। इम्पेशेंस विद इनएफेक्टिवनेस, अगर वो इनएफेक्टिव काम हो रहा होगा तो इम्पेशेंट हो जाएगा, यानी उसको दायरा रिजल्ट चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। सीक्स मॉडरेट चैलेंज, उसको चैलेंजिंग एटमोसफियर चाहिए क्योंकि चैलेंजिंग एटमोसफियर होगी तो अचीवमेंट होगी। एंड सीक्स फीडबैक, यानी ये हमने फाइव डायमेंशंस कॉन्सेप्चुअली उस कंस्ट्रक्ट के डिफाइन कर दिए। अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायमेंशंस है जिनको हम डायरेक्टली मैयर नहीं कर पा रहे, तो हम इनको और ज्यादा इस तरह के एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे जिन एलिमेंट्स को हम डायरेक्टली या ऑब्जर्व कर सकें या उनको हम लोगों से क्वेश्चंस की शक्ल में पूछ सकें। तो अब ड्रिवन बाय वर्क, जो वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व होता है या ज्यादा अपने वर्क के बारे में एनर्जेटिक होता है, उसकी क्या क्या निशानी है? एक तो कॉन्स्टेंटली वर्किंग, दूसरा वेरी रिलेक्टेंट टू टेक टाइम ऑफ फॉर एनीथिंग। अब ये आपको, अब देख रहे हैं ये वो चीजें हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रिजर्विंग डिस्पाइट सेटबैक्स, यानी कि वो बड़ा, अगर उसको थोड़ी बहुत फेलियर्स भी हैं तो वो स्टेडफास्ट खड़ा है, वो डट के खड़ा है अपने काम के लिए, ठीक है। तो ये तीन एलिमेंट्स हो गए ड्रिवन बाय वर्क के, विच इज वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ आवर मेन कंस्ट्रक्ट, दैट इज अचीवमेंट मोटिवेशन। फिर दूसरी डायमेंशन क्या है? अनएबल टू रिलैक्स। अब अनएबल टू रिलैक्स, वो बंदे के अंदर क्या सोच होगी? थिंक ऑफ वर्क इवन एट होम एंड डज नॉट हैव एनी हॉबीज, यानी वो जाहिर है उसका सारा फोकस ही काम पे है, तो वो अपने होम के बारे में कैसे सोचेगा और उसकी हॉबीज कैसे होंगी? तो वो जो हॉबीज के जरिए रिलैक्स कर सकते हैं वो भी नहीं उसकी लाइफ में होगा अगर वो हाईली अचीवमेंट मोटिवेटेड होगा, और घर में जाकर रिलैक्स कर सकते हैं वो भी नहीं होगा, वो घर में भी जाके काम कर रहा होगा, और अगर घर तो अपन जाएगा ही काम ज्यादा, तो वो काम पे उसका फोकस होगा। इम्पेशेंस विद इनएफेक्टिवनेस, इस डायमेंशन को किस तरीके से हम एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं? स्वीयर्स अंडर वंस ब्रेथ व्हेन इवन स्मॉल मिस्टेक अकर्स, यानी कि छोटी से छोटी गलती भी उसकी नजर में आ जाती है वो फौरन पीछे पड़ जाता है उस बंदे के। डज नॉट लाइक टू वर्क विद स्लोर इनएफिशिएंट पीपल, क्योंकि उसको चाहिए आउटपुट, चाहिए परफॉर्मेंस चाहिए, तो इस किस्म के लोगों के साथ तो काम करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब सीक्स मॉडरेट चैलेंज, ये भी अचीवमेंट मोटिवेशन की डायमेंशन है, इसके क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? ऑप्ट टू डू अ चैलेंजिंग रादर देन अ रूटीन जॉब, ऑप्ट टू मेक मॉडरेट रादर देन ओवरवेलमिंग चेंजेस, यानी कि वो थोड़ी थोड़ी चेंजेस एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर ज्यादा चेंजेस हों, सॉरी चैलेंजेस हों, तो फिर उसकी, क्योंकि चैलेंज, जब भी चैलेंज आता है सेटबैक हो जाता है, अचीवमेंट कम हो जाती है, आप उस चैलेंज के साथ निपटने में लग जाते हैं, तो वो ज्यादा चैलेंजेस उसको नहीं चाहिए, बस मॉडरेट चैलेंजेस उसको चाहिए। और लास्ट डायमेंशन है सीक्स फीडबैक, आस्क फॉर फीडबैक ऑन हाउ द जॉब हैज बीन डन, इज इम्पेशेंट फॉर इमीडिएट फीडबैक। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमने जब यहाँ पे ऑपरेशनल एलिमेंट्स बना दिए इसके, इस कंस्ट्रक्ट के फ्रॉम द डायमेंशन, तो अब इन एलिमेंट्स को हम इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, और हम एज अ क्वेश्चनियर एक सर्वे की शक्ल में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप अगर अपने प्रीवियस, हमने जो लेक्चर डिस्कस किया प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स, उसके साथ कंपेयर करें, तो हम अपने कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट्स को पहले ऑपरेशनली डिफाइन करके फिर हम उनको, जो हमारे थ्री मेथड्स हैं इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड सर्वेस, हम उनके जरिए, यानी क्वेश्चनियर्स, हम उनके जरिए उनको डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट। इसी तरह एग्जांपल है ऑपरेशनलाइजिंग डिप्रेशन। अब जब वर्ड डिप्रेशन in self is means nothing until or unless we know what type of depression hum discuss kar rahe hain, aur zahir hai main yahan pe bahut detail mein nahi jaunga, ye is a complex clinical term,
लेकिन डिप्रेशन की टाइप्स में मेजर डिप्रेशन भी आ सकता है, मैनिया भी एक टाइप है उसकी, और अदर भी सब टाइप्स हैं जो मेजर डिप्रेशन की या एमडीडी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की टाइप्स होती हैं। एनीवेज हमारे लिए चूंकि हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो मैं आपको उस तरीके से कंक्लूड करूंगा कि हमें सिम्टम्स देखने पड़ेंगे कि जी मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के सिम्टम्स क्या होते हैं। अब ये राइट साइड पे जो टेबल आपको नजर आ रहा है ये डीएसएम क्राइटेरियाज हैं। डीएसएम इज अ बुक जो मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो है उनको डील करती है, उनकी सिम्टम्स हमें बताती है। तो ये जो आपको बहुत सारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, यू कैन जस्ट थिंक कि ये डिप्रेशन मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स के या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं, जिनको मैं ऑब्जर्व करूं तो फिर हमें पता चलेगा कि किसी भी बंदे में कितना लेवल का डिप्रेशन है, यानी कि डिप्रेस्ड मूड है, रिड्यूस इंटरेस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस्ट है या सिग्निफिकेंट वेट गेन है, इंसोम्निया है, साइकोमोटर एजिटेशन है, फिटीग है, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस है, रिड्यूस्ड एबिलिटी है, रिकरेंट थॉट्स। तो ये सारे डायमेंशंस को जब मैं मैयर करूँ, किस तरह मैयर करूँ, या इंटरव्यूज में पूछे जाए इनके क्वेश्चंस बना के, या ऑब्जर्व किए जाए लोगों के अंदर, या फिर उसको एक क्वेश्चनियर की शक्ल में बना के उसको लोग एडमिनिस्टर किया जाए कि आप इसको एग्री और डिसएग्री की शक्ल में या और उसके अंदर स्केल्स बना के आप लोगों के सामने क्वेश्चनियर रख सकते हैं। सेम आप ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस और डिफरेंट जो आपके कंस्ट्रक्ट्स हैं रिसर्च में, आप उनको इस तरह ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं, यानी उनके डिफरेंट डायमेंशंस पहले आइडेंटिफाई करें। अच्छा, ये डायमेंशंस आप कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे? ये डायमेंशंस आपको लिटरेचर में से मिलेंगे जो एग्जिस्टिंग रिसर्च हुई भी है, और अगर एग्जिस्टिंग रिसर्च एग्जिस्ट नहीं करती, आप कोई बिल्कुल ही नया कंस्ट्रक्ट लेके आ रहे हैं, तो एज अ रिसर्चर ये फिर आपका काम है कि उसके लॉजिकल और उसके थ्योरेटिकल डायमेंशंस को डिफाइन करें जो एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल, और ना सिर्फ आप उसको डिफाइन करेंगे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। तो हम इसको थोड़ा सा टच करेंगे कि हम स्केल कैसे डेवलप कर सकते हैं किसी भी कंस्ट्रक्ट का। तो यहाँ पे चूंकि ज्यादा इंटरव्यूज और क्वेश्चनेयर्स के जरिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं, तो स्केल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है विद ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ अ कंस्ट्रक्ट। एक स्केल क्या होता है? एक स्केल जाहिर है एक रूलर, आपने नाम सुना है कि एक रूलर इज अ स्केल जिसके जरिए हम लेंथ मेजर करते थे, लाइक अ स्केल लाइक दिस। तो ये एक रूलर, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनी, लेकिन फॉर डेमोंस्ट्रेशन पर्पज मैंने सिर्फ बता रहा था कि अगर हमारे मेजरमेंट में ह्यूमन रिस्पोंडेंट्स हैं, यानी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की बात है, तो शायद उसके अंदर हमें स्केल की जरूरत ना पड़े। हम डिफरेंट डायमेंशंस जैसे प्रॉफिटेबिलिटी और गुड गवर्नेंस और इस किस्म की चीज़ों को हम लेके भी उस ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे रिस्पोंडेंट्स ह्यूमन हैं तो हमने या उनसे इंटरव्यू के थ्रू या अगर उनसे हमने क्वेश्चनेयर के थ्रू डाटा कलेक्ट करना है, तो फिर एक स्केल इज अ टूल और मैकेनिज्म बाय विच कंस्ट्रक्ट्स आर डिस्टिंग्विश्ड एज टू हाउ दे डिफर फ्रॉम वन अनदर ऑन द वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट टू अवर स्टडी। तो हम फिर स्केल डेवलप करते हैं। तो आपको नाम अक्सर सुनने को मिलेगा कि डिप्रेशन का स्केल, डिप्रेशन के डिफरेंट स्केल्स हैं, इस तरह ऑप्टिमिज्म मेजर करने का स्केल, इस तरह कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का स्केल, इस तरह एम्प्लॉय लॉयलिटी का स्केल, एम्प्लॉय मोटिवेशन का स्केल। तो ये डिफरेंट स्केल्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपना वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट मेजर करते हैं। सो द मेजर क्वेश्चन, और ये बहुत सारे रिसर्च स्टूडेंट्स के जहन में आ रहा होता है, कैन वी डेवलप अ स्केल इन आवर रिसर्च स्टडी? ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड येस और नो नहीं होता जब तक हम इसकी फिलॉसफी को ना समझें। देखिए, देर इज अ रिसर्च स्टडी विच आई वेंट थ्रू एंड आई फाउंड के, मैं वो सारी की सारी रिसर्च स्टडी तो आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता और उसके वो स्टेप्स भी नहीं समझा सकता, बिकॉज उसके अंदर क्यों नहीं, बिकॉज दैट पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी अगर आप देखना चाहें तो ये उसका DOI नंबर है, आप इस नंबर को सर्च करें या आप गूगल स्कॉलर में जाके
10 स्टेप्स इन स्केल डेवलपमेंट रिपोर्टिंग अ गाइड टू रिसर्चर को अगर खोले तो आपको वो पूरी पूरी स्टडी रिसर्च पेपर की शक्ल में मिल जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ उसका पहला ही हम स्टेप देखें तो उसके अंदर उसने मेंशन किया हुआ है कि एडवांस्ड लेवल काम है टू डेवलप अ स्केल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रिगरस थ्योरेटिकल लिटरेचर एंड स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर्स एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्क्रूटनी। इसमें सिर्फ फिर आप इन्वॉल्व नहीं होते, एक पूरी की पूरी रिसर्च स्टडी होती है जिसमें आप एक स्केल को डेवलप करते हैं और जितना कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जितना वेल डेवलप्ड साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, उसका स्केल की स्टडी भी उतनी ही एडवांस लेवल की होगी। सो डेवलपिंग अ स्केल स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट इज अ रिसर्च स्टडी ऑन इट्स ओन। इसके अंदर आपको स्टैट्स भी लगानी होती है, इसके अंदर जाहिर है रिस्पोंडेंट्स भी होंगे और इवन इसके अंदर आपको एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस भी चाहिए होती है। So it is advised for majority of researcher, not only beginner researcher, even advanced researcher, to adopt a scale, or rather adapt भी कर सकते हैं कि आप उसको कहीं से स्केल को बोरो करके थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको चेंज कर लें, if an established measure is available in the existing literature. अब हम देखते हैं कि कौन से टाइप्स ऑफ स्केल्स होते हैं जिनको हम अपने क्वेश्चनेयर्स में यूज़ करते हैं और इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं और इनमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कौन कौन से डिफरेंट अप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्केल्स को एक ब्रॉडली करेक्टराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू रेटिंग स्केल्स एंड रैंकिंग स्केल्स। रेटिंग स्केल्स का मतलब है कि आपको जो क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन को स्केल की टर्म में एक आइटम भी कहते हैं, एक आइटम जो होगा हमारा उसकी सेवरल रिस्पांस कैटेगरीज होंगी और वो सेवरल रिस्पांस कैटेगरीज जो है वो हम आगे चल के देखेंगे वो क्या क्या हो सकती हैं। और जो रैंकिंग स्केल होंगे इसमें हम कंपैरिजन करेंगे एक ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स लेवल्स में या उनकी डिफरेंट और किस्म की करेक्टरिस्टिक्स में कंपैरिजन करेंगे। इनकी एग्जाम्पल भी हम देखेंगे और हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो रेटिंग स्केल में होगा क्योंकि जो साइकोलॉजिकल मेजर्स और जो बिजनेस स्टडीज़ और मैनेजमेंट के जो क्वेश्चनेयर्स होते हैं उसके अंदर रेटिंग स्केल्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इनके ऊपर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना रिलेटिवली ईजी होता है। रेटिंग स्केल्स में 4 टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। और अगर हम इनको याद रखना चाहें तो नॉयर, ये एक्रोनाइम आप अपने जहन में रख लें नॉयर, तो आप इनको इजीली अपने जहन में बिठा सकते हैं। सो 4 टाइप्स हैं रेटिंग स्केल्स की, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। और जैसे मैंने बताया कि नॉयर के जरिए आप इनको याद रख सकते हैं। इसके अंदर जो पहले 2 रेटिंग स्केल्स हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये कैटेगोरिकल है और ज़्यादातर क्वालिटेटिव डाटा को के लिए यूज होते हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं आपके रिस्पॉन्सेज की। जो आपके इंटरवल एंड रेशियो स्केल्स हैं इनको क्वांटिटेटिव स्केल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी अहमियत होती है। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एक आर्बिट्री वैल्यू है जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे आर्बिट्री का क्या मतलब है। यहाँ पे जो इंटरवल और रेशियो स्केल है क्वांटिटेटिवली जो स्केल जिन्हें कहते हैं इनके अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी एक अहमियत होती है। तो हम अब अपने अगले लेक्चर में इन स्केल्स को और इनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को डिस्कस करेंगे।